दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। कल दिल्ली हाई कोर्ट मामले की करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाले में ईडी ने किया गिरफ्तार। कल दिल्ली हाईकोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। कल दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करेगा। तारीख निर्धारित की गई थी, इस तारीख के आधार पर 27 मार्च को कोर्ट में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि ईडी की हिरासत में है अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ वहीं से दिल्ली के तमाम कामकाज और सरकार को चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। का दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में होगी सुनवाई। शराब नीति घोटाले में 32वें आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। कल दिल्ली हाईकोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। शराब नीति मामले में हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इस पूरे मामले में फैसले के बाद में अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। उधर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी की थी जिसे रोक दिया गया है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर तैनाती की थी। साथ ही साथ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के द्वारा प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजितेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी अजितेश, जिस तरह से हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है, लंबे समय से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध भी लगातार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ पक्ष कल रखा जा सकता है, क्या अपडेट निकल कर सामने आ सकता है? बिल्कुल प्रियंका, कल इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में खासतौर पर अगर हम देखें जो पक्ष है केजरीवाल की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा उसमें महत्वपूर्ण दो तीन बातें हैं जो कही जाएंगी। उसमें खासतौर पर 21 तारीख को जिस तरह से ईडी की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची और सबसे पहले वो समन देने के लिए पहुंची थी, तो उसमें इस चीज़ का विरोध किया जाएगा कि अचानक से जो गिरफ्तारी की गई उसके पहले आप समन देने आए थे, समन देने के बाद घर की तलाशी की गई और केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ दूसरा पक्ष खासतौर पर जो रखा जाएगा उसमें ये है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूतों की कमी जो है वो केजरीवाल की टीम से बताई जा रही। कहा जा रहा है कि बिना जो सबूतों की कमी के ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें अगर हम देखें तो केजरीवाल की टीम की तरफ से जो लीगल टीम है उसको जो हेड करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके द्वारा भी इस बात का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि इस पूरे केस में अगर हम देखें तो अभी तक जो है वो ईडी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि घोटाला, जिस घोटाले का जिक्र किया जा रहा है वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात का अभी तक जिक्र नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पैसे का जो लेनदेन की बात कही जा रही है उसको लेकर अभी खुलकर कोई चीज़ तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां पूरे मामले में हो गई हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके साथ ही साथ प्रियंका अगर हम देखें प्लान बी भी जो है लीगल टीम की तरफ से रखा गया है। इसमें इस बात का भी पक्ष रखा जाएगा कि जो ईडी की कस्टडी में जो रिमांड लगातार अभी दी गई है और उसके बाद बढ़ाई भी जा सकती है अगली सुनवाई में, इसका भी जो है वो विरोध जो है लीगल की टीम करेगी। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बार बार कहीं ना कहीं चार्जशीट की भी बात आ रही थी, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि बार बार जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जमानत नहीं मिल सकती है पीएमएलए के तहत। अभिषेक मनु सिंघवी की जिस तरह से आप बात कर रहे थे उनका भी साफ तौर से कहना है, क्योंकि तमाम ऐसे गवाह हैं जो अब सरेंडर कर चुके हैं और ऐसे में उनके गवाहों के आधार पर ये काम हो रहा है, उसको एक साजिश भी करार दिया। बिल्कुल प्रियंका, देखिए किसी भी मामले में अगर हम बात करें महत्वपूर्ण होती है चार्जशीट, और जो शुरुआती केस में जब जांच पड़ताल चलती है तो सीडी तो तैयार की जाती है केस जारी, जब तक चार्जशीट कंप्लीट नहीं हो जाती उसके बाद अगर हम देखें चार्जशीट शुरू बंद कंप्लीट हो जाती है और सबमिट हो जाती है उसके बाद पूरे मामले का ट्रायल शुरू होता है।
लेकिन अभी तक जो है वो ईडी इस पूरे मामले में पूरी तरह से जो चार्जशीट है अब तक दाखिल नहीं कर पाई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दे रही है। ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा पॉइंट है लीगल टीम के पास, जो इस बात को कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के की वजह से इस पूरे मामले में लगातार बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां कर ली जा रही हैं, लेकिन जब फुल चार्जशीट की बात होती है, कंप्लीट केस डायरी की बात होती है, तो वो अभी तक ईडी की तरफ से सबमिट नहीं की गई। ईडी हर बार जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है उसमें इस बात का जिक्र करती है कि जांच जो है अभी जारी है, अभी मामले पर कई और तथ्य जो हैं जिनको जोड़ना ज़रूरी है, इस बात का ईडी की तरफ से जिक्र किया जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ और नाम है जिनसे अभी पूछताछ बाकी है, इसका भी जिक्र लगातार किया जा रहा है। देखिए, अगर हम देखें चार बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में, आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। इसके बाद अगर हम देखें आप तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले पर हो चुकी है। चार बड़ी गिरफ्तारियां और बड़े बड़े नेताओं की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी भी जो है ईडी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में और भी कुछ लोगों से पूछताछ होनी है, या भी जो अभी तथ्य हैं उनको जोड़कर अभी हम आगे जाँच कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है लीगल टीम की तरफ से रखने का। हालांकि ये ईडी की तरफ से अगर हम देखें कवच का काम करता है, क्योंकि जब मामले पर सुनवाई होती है तो ईडी की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है। और हालांकि जैसा कि ईडी भी इस पर लगातार आगे कदम बढ़ा भी रही है और कार्रवाई आगे कर भी रही है, तो फिलहाल देखना है कि आखिरकार कल जो है वो क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र, कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष सत्र बुलाने का लिया गया फैसला, स्वास्थ्य सेवाओं की दी जाएगी विधानसभा में जानकारी। कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष सत्र बुलाने का लिया गया फैसला, स्वास्थ्य सेवाओं की दी जाएगी विधानसभा में जानकारी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत में होने के बाद से एक सत्र को स्थगित किया गया था, ऐसे में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने के लिए। इस विशेष सत्र को बुलाने का फैसला आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा और आम आदमी पार्टी के संगठन के द्वारा लिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष सत्र बुलाने के फैसले के साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधानसभा में जानकारी दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अजितेश बने हुए हैं। जी अजितेश, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष जानकारियां देनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसमें निकलकर सामने आ सकती है? सत्र 22 मार्च को शुरू होना था, लेकिन 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने इस बात का ऐलान किया था कि फिलहाल जो है विधानसभा सत्र रद्द किया जाता है और अब कल से इसकी शुरुआत होगी। देखिए, खासतौर पर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो अभी लगातार दिल्ली के अंदर इश्यूज उठ रहे थे सरकारी गवर्नमेंट में, या फिर अगर हम खास तौर पर देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयों की कमी को लेकर जो फ्री में दी जाती हैं, वो तमाम इश्यूज जो हैं इनको लेकर ये क्या इसमें इस सत्र के अंदर इस बात की चर्चा होगी। लेकिन प्रियंका, एक बड़ी चीज़ जो खासतौर पर कल जो है विधानसभा सत्र के अंदर होगी और ये मुद्दा बेहद गूंजेगा कि हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने इस बात का जिक्र किया कि एक ऑर्डर दिया है जिसको लेकर आगे काम होना है स्वास्थ्य सेवाओं और उससे पहले साफ सफाई को लेकर, तो ये भी कल जो है एक बड़ी बात होगी। इस ये मुद्दा गूंजेगा क्योंकि जो सत्र कल से शुरू होगा, जाहिर सी बात है सरकार के आगे के जो काम है उनको लेकर बातचीत होगी, किस तरह से आगे बड़े कदम लिए जाएंगे उसको लेकर जिक्र होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि अरविंद केजरीवाल जब हिरासत में है और जिस कागज़ को लेकर आतिशी मीडिया के सामने आई, सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आए और बताया कि दरअसल ये ऑर्डर अरविंद केजरीवाल ने दिए, इनको आगे काम करना है, ये एक अहम मुद्दा होगा जो कल के सत्र में गूंजेगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से अहम मुद्दे की यहाँ पर आपने बात की है, दोनों ही मुद्दों की बात करें और जिस तरह से दोनों ही नेता आम आदमी पार्टी के सामने आए हैं, अरविंद केजरीवाल का मैसेज या संदेश देने की कोशिश करते हुए दिल्ली की जनता को नजर आए। साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की फिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अहम मुद्दा ये भी है कि हस्ताक्षर को लेकर भी कहीं ना कहीं कल क्या जानकारी निकलकर सामने आ सकती है, या इस पर बीजेपी तैयारी कर रही है बवाल करने को लेकर? बिल्कुल, जाहिर सी बात है बीजेपी कल इस इशू को लेकर हंगामा करेगी। और देखिए, बीजेपी ने तो आज से ही सड़कों पर, जब बीजेपी थी आज से इस बात का भी विरोध कर रही थी, और इंडिया वॉइस की जो सूत्र हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि
कागज पर किसी भी तरह के हस्ताक्षर जो हैं वो नहीं कराए गए, हिरासत में रहते हुए भी कोई हस्ताक्षर अरविंद केजरीवाल ने नहीं किए, तो जाहिर सी बात है ये जो ऑर्डर जिसका जिक्र केजरीवाल सरकार के मंत्री कर रहे थे ये कैसे हुआ और ये ऑर्डर किसने दिया, सबसे बड़ी बात यही है। और इसी को लेकर कल बीजेपी सवाल उठाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली में दिल्ली सरकार का कार्यकाल अगर हम बात करें अभी चलेगा और उसमें अगर हम देखें इस तरह के इश्यूज़ उठ रहे हैं तो सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो ये है कि कोई भी बड़ा ऑर्डर इस तरह से सामने लाया जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये ऑर्डर दिया है और उस पर आगे काम किया जाए और बाद में पता चलता है कि कोई साइन नहीं हुए, कोई किसी तरह के हस्ताक्षर अंदर हुए ही नहीं, केजरीवाल से किसी की मुलाकात हुई नहीं, उन्होंने कोई ऑर्डर जारी किया ही नहीं, तो एक काफ़ी चिंता का विषय है। और जाहिर सी बात है कल जब ये सत्र शुरू होगा और इसको लेकर सवाल जवाब भी होंगे तो बहुत कुछ तस्वीरें जो धुंधली हैं वो कल साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल अजितेश, इस तमाम जानकारी को लेकर आपको बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।